तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय बगीरा व्लॉग। तो गाइस, हम लोग आज एक शॉर्ट राइड पे आने वाले। तो गाइस, अभी हम लोग आज मोटो व्लॉगिंग करते हुए जाएंगे बैंडर रेक्लामेशन। तो अपना मोटो व्लॉग सेटअप भी रेडी है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो अभी जस्ट निकलते हैं यहाँ से, जब तक आप वीडियो के साथ बने रहो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, अभी बहुत टाइम बाद हम लोग आज मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट राइड को भी बहुत टाइम हो गया। अपना मर्सिडीज घाट वाले राइड पे मोटो व्लॉगिंग कर रहे थे, तो बहुत टाइम बाद मोटो व्लॉगिंग कर रहे, तो मज़ा भी आ रहा है गाइस। बट गाड़ी में भी चेंजेस बहुत हो गए उसके बाद, क्योंकि ब्लैक बाइक थी मेरी, बगीरा ब्लैक कलर की थी अपनी, और अभी येल्लो हो गई, तो उसमें भी लुक अलग हो गया गाड़ी का, और अच्छा भी लग रहा है येल्लो होने के बाद। तो भाई, अभी पेट्रोल फिल करने जा रहे हैं इसमें, तो ज़्यादा लंबा राइड नहीं होने वाला है, शॉर्ट राइड ही होने वाला है। अपना बैंड्रा ही थोड़ा बहुत घूमने वाले और रील्स के लिए वीडियो शूट करने वाले, बस थोड़ा बहुत और फोटोज़ क्लिक करेंगे, क्योंकि आज संडे है तो कुछ है भी नहीं करने को, और कॉलेज तो वैसे भी बंद है, तो इसके लिए थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया संडे राइड को भी जाके। तो गाइस, अभी पेट्रोल फिल करते, कितना 109 रुपये लीटर है कुछ। सिग्नल तो मज़ा बहुत आ रहा है गाइस आज चलाने को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मतलब तो गाड़ी यूज़ तो होती है डेली, बट मोटो पे लॉगिंग करने में एक अलग ही मज़ा आता है, तो बस उसका फील ले रहे। अब देखते रास्ते में कुछ इन्जॉयमेंट वाला होता है, मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि संडे तो ज़्यादा ट्रैफिक होगा नहीं धारावी साइड पे, नहीं मिला तो ये अच्छा है, हो भी सकता है, भरोसा नहीं है, कब कितना ट्रैफिक होगा कोई बोल नहीं सकता इधर पे, तो वही। गाड़ी का क्लच प्लेट पूरा चल गया अपनी बगीरा का, तो गाड़ी भागती नहीं है अभी 49 के ऊपर। इसमें टेम्परेचर बोल्ट का प्रॉब्लम आ गया था गाइस, तो वो बोल्ट की वजह से पूरा ऑयल लीक हो गया, और मुझे पता नहीं चला, और गाड़ी मैंने यूज़ कर दिया तो पूरा क्लच प्लेट जल गया उसके चक्कर में, ऑयल विदाउट ऑयल के चक्कर में, और अभी गाड़ी 49 के ऊपर भाग रही नहीं है, तो वही अभी पता चला मुझे। अभी मैंने अपने पहचान वाले गैरेज वाले को दिखाया, तो उसने बोला कि क्लच प्लेट चले गया, तभी क्लच प्लेट डालना पड़ेगा इसका पूरा असेंबली। बाकी गाइस, आप लोग भी बताओ येलो कलर में गाड़ी अच्छी लग रही है थी या ब्लैक कलर में, कमेंट करके बताओ ना मुझे। तो भाई, सपोर्ट करो जरा, मेरा न्यू व्लॉग चैनल है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा कुछ वो दिख रहा नहीं प्रोग्रेस मेरी चैनल पे, तो थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मेरा भी मन बना रहे और मैं करूँ और मेहनत आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँ। बाकी फेल तो आते ही चाहिए, क्योंकि अपनी गाड़ी पूरी मॉडिफिकेशन है, लीवर ब्रेक सब मॉडिफिकेशन है, और शॉर्ट एक्सी लगा हुआ है, तो चलाने में तो अलग ही मज़ा आता है नॉर्मल हेलमेट से। ये भाई, इंडिकेटर देने के बदले हाथ दिखा रहा है यार। तो गाइस, एकदम फास्ट फास्ट पहुँच ही गए हम लोग ऑलमोस्ट,
सहारा भी ख़त्म होने आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट मारेंगे माहिम के लिए, क्योंकि ट्रैफिक था नहीं ज़रा भी, खाली थे पूरे रोड। अभी जस्ट आया क्योंकि यहाँ पे स्काई वॉक है, तो उस वजह से अरे टैक्सी वाले की कोई इज्जत ही नहीं करता है, सीधा रुका देता है बीच में। ये वाला लेफ्ट और पहुंच गए बोलूँ माहिम। रेखला मिशन, ये लेफ्ट मारने के सीधा एंट्रेंस है रेखला का, तो देखते हैं यहाँ पे क्राउड मिलता है या खाली मिलेगा तो अच्छा है, क्राउड तो अपने को चाहिए भी नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए रेखला मिशन और अपनी बाइक यहाँ पे पार्क हो चुकी है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको एकदम प्रॉपर तरीके से जितना हो सके मुझसे। तो नॉर्मल तो है, तो नज़ीक है, बैंड्रा का फेमस ही है, तो मोस्टली पब्लिक को पता ही होगा, बट जिसको नहीं पता होगा मैं उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो वीडियो ज़रूर देखना वो लोग। गाइस तो मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ आपको लव मुंबई के पूरे। तो ऐसा कुछ था पूरे रेखला मिशन का व्यू और लव मुंबई का। तो अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करके और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना आप।